गाइज, वर्क पावर एनर्जी के क्वेश्चन की बड़ी चाहत थी आप लोगों को। लो, आपकी चाहत को भी पूरा कर देते हैं। ये क्वेश्चन मैंने उठाया, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इस क्वेश्चन को करते हैं। आपसे कह रहा है टू बॉडीज, दो बॉडी है जिनके मासेज जो है वो 1 ग्राम एंड 16 ग्राम्स हैं। हमसे कह रहा है आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जीज, मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है, इक्वल है। तो हमसे कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम, उनकी जो लीनियर मोमेंटम है उसकी उनका रेशियो बताओ। हमसे कह रहा फाइंड द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर, अगर वी वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है। अगर मोमेंटम की बात करोगे तो ये होता है मास इंटू वेलोसिटी, ये मोमेंटम होता। हमसे कह रहा दो बॉडी हैं जिनके मासेज जो हैं 1 ग्राम और 16 ग्राम्स हैं, गिवेन दैट, क्या क्या दे रखा आपको, M1 दे रखा 1 ग्राम और M2 दे रखा 16 ग्राम्स। हमसे कह रहा आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जीज, मतलब काइनेटिक एनर्जी 1 जो है वो इक्वल है काइनेटिक एनर्जी 2 के। फाइंड द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ देयर लीनियर मोमेंटा, मतलब आपको पहले वाले का मोमेंटम दूसरे वाले का लीनियर मोमेंटम का रेशियो पूछ रहा है। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा, क्या पता होगा, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होता है P² / 2m। अगर किसी को नहीं पता तो जान लो काइनेटिक एनर्जी जो होती है इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम ये होती है P² / 2m। अब काइनेटिक एनर्जी जो है वो इक्वल है तो यहाँ पर मोमेंटम जो निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा P = √2mke, ये आ जाएगा 2mke, ठीक है। तो इसका मतलब जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सेम है और दो तो भाई एक खुद एक कांस्टेंट नंबर है, तो काइनेटिक एनर्जी और दो जो है ये तो कांस्टेंट होगा, इनको हटा लो तो इसका मतलब मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। तो आपसे दोनों मोमेंटम का रेशियो पूछा तो P1/P2 = हो जाएगा √M1/M2, ठीक है भाई। M1 की वैल्यू कितनी है 1 ग्राम और M2 की वैल्यू कितनी है 16, तो ये हो जाएगा 1/4। तो जो हमसे पूछा गया था वो हम इस तरह से लिख देंगे, क्या पूछा गया था हमसे, दोनों का लीनियर मोमेंटम का रेशियो, तो P1/P2, तो ये हो जाएगा 1:4, ठीक है। तो जो आपसे पूछा वो आपने बता दिया, तो क्या आप लोगों को क्लियर हो गया, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा, इतना टफ नहीं है, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत ज़्यादा। नीट क्रैक कर लो यार, मज़ा आ जाएगा, डॉक्टर बन जाओगे तो। थैंक यू सो मच। अगर डाउट क्लियर हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में फ़ोनपे का नंबर दे रखा है, जा करके मार दो यार, 1000 2000 लाख 2 लाख रुपये।